कहानी शुरू होती है 1708 में, जब ईरान के निशापुर शहर के रहने वाले मीर मोहम्मद अमीन अपनी किस्मत का सितारा खोजते हुए दिल्ली के दरबार में आए। कुछ अरसे से है ये यहाँ, बहुत ही काबिल घुड़सवार। हम भी गए हैं। जी हुजूर। उन्हें दरबार में पेश किया जाए। जी हुजूर। हम आपको सादत खान बुरहानुल के खिताब से नवाजकर आगरा का गवर्नर बना रहे हैं। ज़रा नवाजी के लिए शुक्रिया हुजूर, बंदा आपका खादिम है। हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हुजूर, सादत खान बुरहानुल ने सैयद भाइयों को भरा दिया। बुरहानुल ने आज हिंदुस्तान के बादशाह का दिल जीत लिया। उन्हें अवध की सूबेदारी से नवाजा जाए। लखनऊ में उस समय शेखजादों का बस चलता था, मगर बुरहान उल मुल्क हार मानने वालों में से न थे। उन्होंने शेखजादों को अपनी तरफ कर लिया और कुछ इस तरह वो अवध के पहले नवाब बने। कहते हैं कि उनके कहने पर नादिर शाह ने पहले काबुल और फिर दिल्ली की ओर रुख किया और उसके बाद के कत्लेआम से और नादिर शाह के बुरे बर्ताव से बुरहान उल मुल्क ने पशेमा होकर खुदकुशी कर ली। हुजूर, हुजूर, बुरहान उल मुल्क नहीं रहे। अल्लाह उन्हें जन्नत अता करे, हम उनके भतीजे और वारिस हैं। बहुत बेहतर जनाब, हम उनकी अधूरी आरज़ू पूरी करेंगे। अवध को उसके आला मुकाम तक हम पहुंचाएंगे। नए नवाब ने मुगल शासकों के लिए खूब जंगें लड़ी और जीती। तारीख उन्हें सफदरजंग के नाम से जानती है। वैसे शुरुआती नवाब वजीर अवध से ज्यादा दिल्ली के दरबार के मसले सुलझाने में मशगूल रहते थे। मुगल सल्तनत के लिए आपने जो कुछ भी किया उसके लिए हम आपको भी आदेश बनाते हैं। नवाजिश। जंग हमें समझ नहीं आती, पर जनाब सफदर जंग को बहुत रास आती थी। उनके बेटे शुजाउद्दौला ने वालिद की मौत पर दिल्ली में एक आलीशान मकबरा बनाया, जो दिल्ली की सबसे हसी ऐतिहासिक इमारतों में शुमार है। शुजाउद्दौला भी हुकूमत के दायरे को बड़ा करने के लिए जंग फतह करने में लगे रहे। किस्मत का सितारा सही मायनों में तब चमका जब अपनी अम्मी से लड़ाई कर फैजाबाद छोड़ दिया और लखनऊ में आ बसे। अरे हम भी रूठने मनाने के बड़े खेल खेलते हैं, पूछ लो हमारी परियों से। खैर, यही उन्होंने अपना दरबार सजा दिया और लखनऊ बना अवध की नई राजधानी। असफुद्दौला बड़े हमदर्द थे। भयंकर सूखा पड़ा, गरीब तो गरीब, अमीरों को भी 2 जून की रोटी नसीब नहीं। एक बहुत बड़ा इमाम बाड़ा बनवाओ, पूरी आवाम को इस मुकद्दस काम में जुटा दो। जी हुजूर। और हाँ, जो दिन में बनाते हो उसे रात में तोड़वा देना, कि जब तक ये सूखा खत्म नहीं हो जाता हमारी रियाया के पास रोजी का जरिया रहे। बेहतरीन ख्याल, लोग सही ही कहते हैं, जिसको ना दे मौला उसको दे असफुद्दौला। नवाब साहब को इमारतें खड़ी करने का बहुत शौक था, बनाना शुरू करते तो बनाते ही चले जाते। देखते ही देखते लखनऊ का नजारा बदल गया। फिर आए नवाब सादत अली खान। उस समय दिल्ली का दरबार बर्बादी की कगार पर था। जहां दिल्ली का सितारा डूब रहा था, वही लखनऊ की चमक दूर दूर तक फैल रही थी। एक एक करके दिल्ली दरबार के हर फनकार ने लखनऊ की ओर रुख कर लिया। बस फिर क्या था, लखनऊ के नवाब के दरबार में कलाकारों और शायरों का जमावड़ा लग गया और लखनऊ ने अपनी तहजीब और तखरीर, नफासत और नजाकत के लिए हिंदुस्तान में एक बड़ा रुतबा हासिल कर लिया।
हमारा तखल्लुस है अख्तर यानी सितारा।